भाजपा के संपर्क में जदयू के कितने मंत्री हैं और जदयू ने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने संपर्क में रखा है, ये चर्चा आपने खूब सुना होगा। लेकिन आपने ये चर्चा नहीं सुना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल को भी पता है कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में किस दल का नेता है। इस बात को लेकर के अब सियासी बवाल उठ गया है। आपको बता दें कि राजद नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार मंत्री आलोक मेहता ने बयान जो दिया है, उस बयान को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है। बिहार में इन दिनों किस पार्टी के विधायक कौन सी पार्टी में के संपर्क में हैं, ये खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और बयानबाजी भी हो रही है। इन्हीं विषयों पर बात करते हुए भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कई नेता, विधायक, एमपी और एमएलए हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब वो हाजीपुर के एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे तो मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि गठबंधन के साथी जेडीयू का साथ देने के बजाय बीजेपी और सुशील मोदी के दावों की तस्दीक कर दी है। स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि जो सुशील मोदी बोल रहे हैं उनका तो काम ही यही है। लेकिन इन सब बातों के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जेडीयू आरजेडी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी से कनेक्शन जोड़े ऐसे नेताओं को लेकर आलोक मेहता ने उनकी स्वतंत्रता करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि किसी को किसी के साथ बातचीत करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और लोकतंत्र में ये एक स्वस्थ परंपरा भी है। आलोक मेहता ने हाजीपुर के कोऑपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और वहाँ उन्होंने सुशील मोदी के इस बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में अपनी बात रखी थी। स्पष्ट तरीके से आपको बता दें कि इस बयान से अब बिहार की राजनीतिक गलियारे में चर्चा जरूर शुरू होगी। बीजेपी से 36 का आंकड़ा रखने वाली आरजेडी के मंत्री का इस तरह का बयान कहीं ना कहीं एक नए दिशा की तरफ संकेत कर रहा है। बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हैरान करने वाला है। वहीं आलोक मेहता के इस बयान के बाद सियासी चर्चा भी शुरू हो गई है। सुशील मोदी के दावे में दम तो नहीं है, लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में कई नेता हैं, इसने एक तरह से समझिए कि सियासी चर्चा का विषय छेड़ दिया है और ये एक बड़ा खुलासा भी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। हालांकि आरसीपी सिंह भी इस काम में लगे हुए हैं और कहा यह जा रहा था कि आरसीपी सिंह के जरिए भारतीय जनता पार्टी जदयू में एक बड़ा फेरबदल करना चाहती है। इन सारी बातों के साथ दो सीटों के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की जो संभावनाएं थी उसमें थोड़ी कमी आई है, क्योंकि एक एक सीट पर ड्रॉ हुआ है। अगर ये दोनों सीट तेजस्वी यादव जीत जाते तो मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने बदौलत वो प्राप्त करने की सीढ़ी को अंतिम पायदान तक ले जा सकते थे। लेकिन जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद से अब चर्चा ये शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार का जो आंकड़ा है, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, वो काम नहीं किया। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी खुशी जाहिर कर रही है कि उसने मोकामा में एक बेहतर प्रदर्शन किया है और गोपालगंज की सीट वो बरकरार रख पाए हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होंगे और उनकी जदयू कई फाड़ में बढ़ जाएगी। आरोप तो यहाँ तक लगाया जा रहा है कि ललन सिंह के जरिए भारतीय जनता पार्टी जदयू में एक बड़ा गेम करने के फिराक में है। इससे पहले ये लग रहा था कि आरसीपी सिंह के कारण, आरसीपी को के जरिए जदयू में बड़ा टूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। लेकिन इन सबसे अलग अब जो नई बात शुरू हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जदयू के भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, इस बयान को किस तरह से लेता है बिहार का राजनीतिक हलका, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक चर्चा ये भी चल रही है कि आरसीपी और चिराग के जरिए नीतीश कुमार को बाहर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को कुछ ऐसे विधायकों को तोड़ करके और मुख्यमंत्री बनाने की भी होड़ लगी हुई है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव के इस करीबी जो मंत्री हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके बयान को किस तरह से लिया जाता है। हालांकि ये बयान बड़ा है और एक बड़ा खुलासा भी है कि संपर्क में कई मंत्री, विधायक और एमपी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।